हाँ, लेन का और इससे बीच भी निकाल दिए वहां चीजों में ना एक जितना ऐसे नहीं ना डाल कि हाँ, कोई छोटा हो कोई मोटा हो मुझे, मुझे बस चेक करने मुझे क्या पता है क्वीस 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 आपके बनाए हुए फ्राई करने लगी क्यों क्योंकि मैं जो इन पे ट्रस्ट नहीं है ना ट्रस्ट जॉन को ये ना पता है किसने बनाई है बहुत ज्यादा हो गया टू मच टू मच केचप आप खोलो सेंटर से खोल दो मम्मा

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम रही कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए आमीन आमीन और हम सब का ईमान सलामत रखे अलैका या रसूल वाल आल का का या ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए उन्हें फ़तः नसीब करें रमज़ान के बाबरकत महीने के सदके अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करें अच्छा जी इधर बुलाग का हो गया है स्टार्ट इधर मैंने दोनों बर्तनों में तीन तीन पाव कीमा मैंने लिया है और उसमें पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ चूल्हे पे रखने से पहले इसको पानी में मिक्स कर लें तो इसकी गुठलियाँ नहीं बनती हैं मिक्स फिर अच्छी तरह हो जाता है हम जो भी स्टफिंग या कबाब बना रहे हैं तो जितना मैंने कीमा लिया है उतनी ही मैंने चने की दाल ले लिया है चने की दाल भीगी हुई होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे पास भीगी हुई नहीं थी उसमें मैंने डाल दिया है अदरक एक एक चमच दोनों में जो समोसे की स्टफिंग है उसमें और शामी कबाब में भी शामी कबाब वाले में मैंने लहसन थोड़ा सा ज्यादा डाला है साथ में चाप्ड सब्ज मिर्चें या रेड मिर्चें डाले मैंने रेड फ्रेश डाली हैं और दो टमाटर मैंने ऐड किए हैं इसमें और साथ ही जाएगा इसमें नमक और हल्दी अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड करें और मिर्चें क्योंकि मैंने फ्रेश ऐड की हैं इसलिए मैं दूसरी कम पाउडर जो है वो कम ऐड करूंगी ये साथ में तंदूरी मसाला मैं एक चम्मच फुल भर के डाल रही हूँ टिक्का मसाला हो तंदूरी मसाला हो कोई भी मसाला इस तरह का हो ना तो आप डाल लें टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है साथ में गर्म मसाला एक चम्मच भर के और ये है सूखा धनिया कुटा हुआ ये भी तकरीबन एक चम्मच है भर के अच्छा ये सारी अभी तो शामी कबाब की मैं चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ ना अभी वो जो दूसरा है ना कीमा ये सिर्फ बॉयल हो रहा है लहसन डाल के और हल्दी डाल के इसको सिर्फ बॉयल करना है और इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी थोड़ा सा सूखा धनिया मैंने ऐसे ही डाल दिया वो भी ऑप्शनल है डालें या ना डालें और ये जो स्टफिंग है ना ये अरेबिक समोसे की स्टफिंग हो रही है अच्छा मैंने ट्विस्ट इसमें ये दिया है ये जो मैं शामी कबाब बना रही हूँ उस पर मैंने थोड़े से शलजम ऐड कर लिया शलजम मेरे पास बॉयल हुए हुए पड़े थे पके हुए फ्रीज करके मैंने रखे हुए थे तो वो मैंने थोड़े से ले लिए हैं और प्रेशर कुकर मैंने कर दिया है बंद और अब इसमें मैंने डालना है धनिया दो गटियाँ मैंने समोसे समोसे वाले स्टफिंग में मैंने ऐड करनी है और दो ही गठियाँ मैंने शामी कबाब में डालनी है तो इन चारों को मैं दो के काट लूँगी सूखा सूखा होना चाहिए इतना गीला गीला नहीं इनमें ऐड करना होता है इसलिए मैंने उनको पहले काट दिया अच्छा ये देखें तकरीबन इसको मैंने पंद्रह मिनट प्रेशर चलाया है और दाल भी गल गई है और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी बाकी है तो अब वो पानी को हमने ड्राई करना है साथ साथ ही हमने चम्मच चलाते जाना है और डोई की मदद से या आप मैशर ले लें किसी भी चीज़ से आप इसको प्रेस करते जाएँ और दाल भी मिक्स हो जाएगी इसमें कीमे के पीस जो हैं वो भी मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह और जो लहसन और शलजम हर चीज़ इसमें मिक्स हो जाएगी ये मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच ज़ीरा ये आपकी मर्जी है टेस्ट अगर अच्छा लगता है तो डालें नहीं तो ना ऐड करें तो ये देखिए बड़ी अच्छी सी इसकी ना ये अमेजा इसका तैयार हो गया है अब इसमें मैंने एक बड़ा प्याज लिया है उसको मैंने ब्रिक बरीक काट लिया था तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इस स्टेज पे आके जब ये डन हो गया उस टाइम आप इसमें सब्ज़ मिर्चें कटी कुटी हुई और थोड़ा सा अदरक फ्रेश डाल लें और ये डाल लें प्याज डाल लें तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है कबाब में दो गठियाँ इसकी सबस दनी की मैंने काटी थी जब सूख गया था फिर मैंने काटा था पानी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए तो वो मैंने डाल दिया है एंड पे चूल्हा बंद करके तो वो अब ठंडा होगा तो उसके बनाएंगे शामी कबाब अच्छा ये जो कीमा था ना जो स्टफ़िंग बना रही हूँ समोसे की अरेबिक समोसे की ये स्टफिंग है तो इसका कीमा जो है ना पानी फुल ड्राई हो गया कीमा गल गया तो उसमें मैंने डाल दिया है एक प्लेट भर के प्याज जितना कीमा है उतना ही प्याज डालना है और कीमा आपको कैसे पता चलेगा कितना जब पक के जितना तैयार है आपको नज़र आ रहा है ना पानी इसका ड्राई हो गया तो जितना कीमा है उतना प्याज इसमें ऐड करना है तो महा तो कह रही थी मामा प्याज टू मच हो गया मैंने कहा नहीं नज़र नहीं आता जब डन हो जाता है ना ये तो फिर इतना फील नहीं होता इसमें मैंने दो छोटे चम्मच नमक ऐड किए हैं एक छोटा चम्मच काली मिर्च और एक ही छोटा चम्मच गरम मसाले का तो ये कीमा कितना है ये है आठ सौ ग्राम यानी तीन पाव है तकरीबन ये वाला कीमा और शामी कबाब में भी मैंने तीन पाव कीमा ऐड किया है और दो गठियाँ इसमें मैंने भर के फूल भरी हुई दो ही डालनी है टेस्ट बहुत अच्छा होता है धनिया के साथ हम मैं धनिया ऐड कर रही हूँ वैसे इधर अरेबिक समोसे में धनिया नहीं होता है थोड़ा धनिया होता है और थोड़ा बिग धोनस कोई नाम है वो भी धनिया जैसे ही पत्ते होते हैं वो अरेबिक समोसे में वो ऐड करते हैं लेकिन मुझे उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता तो इसलिए मैंने धनिया ऐड किया है और मुझे धनिया का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये देखिए इसको ना धनिया बिल्कुल एंड पे डालना है जब आपको लगे कि अब आपने चूल्हा बंद कर देना है तो प्याज़ जो है ना उनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना सिर्फ पाँच मिनट ही पकाएंगे जब आप हाई फ्लेम पे जब आपको लगे कि इसका पानी ड्राई हो गया है तो आप उसमें धनिया ऐड करें और चूल्हा बंद कर दें तो बस ये स्टफिंग हो गई है तैयार और ये प्याज थोड़ा सा मैंने काट के रखा है क्योंकि रमज़ान में ना मुझे प्याज काटना बड़ा मुश्किल लगता है हाथों से स्मेल जाती ही नहीं है नमाज थ्रा पढ़नी है थोड़ी थोड़ी बहुत देर बाद इबादत करनी है नमाज पढ़नी होती है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा काट के रख लिया पुलाव वग़ैरह बनाना हो तो उसके काम आ जाता है तो अब मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल उसके लिए मैंने दो ब्रेस्ट लिए हैं चिकन ब्रेस्ट तो <laughs> उसमें मैंने हल्दी और पानी ऐड करके तो उसको बॉयल होने के लिए रख दिया मैंने ब्रेस्ट बोला था इसलिए मुझे हँसिया आ गई है अच्छा उतनी देर में वो चिकन गलता रहेगा और मुझे ना सूखी मेथी ऐड करनी मैं भूल गई थी तो वो मैंने एंड पे अब डाली है अब मुझे याद आया था तो वो मैंने एक चम्मच भर के सूखी मेथी इसमें ऐड की है तो अब इसके बना लेंगे शामी कबाब शामी कबाब बनाने के लिए ये स्टफिंग जो है ना ये अमेजा जो मैंने बनाया है ये ठंडा होना चाहिए गर्म गर्म का नहीं सही बनता तो फुल भी ठंडा नहीं इतना भी कि ड्राई हो जाए इतना भी नहीं तो जब आपको लगे कि ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है तो इसके कबाब आप बना लें और कबाब इस तरह बनाएं प्रेस कर कर के और साइडों से उसको गोल करते जाना है और ज़्यादा अच्छा तरीका यह है कि आप पेड़े की तरह उसको बना लें पहले गोल पेड़ा और उसके बाद उसको प्रेस करें तो बहुत जल्दी बन जाता है ये और मैं प्रेफर तो यही करूँगी कि ग्लव्स पहन लें मैंने मैं ग्लव्स के साथ काम नहीं कर सकती ग्लव्स पहन के करें तो फिर हाथों से स्मेल भी नहीं आती है अच्छा रहता है ऐसे तो मेरे तो हाथों से दो दिन फिर स्मेल ही नहीं जाती है ये कबाब की भी प्याज की भी तो मुझे बड़ा गंदा लगता है कहाँ से आपने चिकन निकाला है फ्रिज में से किस चीज का पिक्चर है चिकन है रहे बता का हाँ बता का बता डक चिकन बता का होता है आपको नहीं, नहीं मामा मैं कह रही हूँ यानी कौन सी साल में ये परी हुई थी किसी पे नहीं अभी बॉयल किया है इसको बस बॉयल हाँ हल्दी डाल के इसलिए पीली हो गई है कुरकुम डालिए कुरकुम अच्छा स्मेल भी नहीं उसकी यानी सही उसे लग रहा था मैंने कोई सालन बनाया हुआ था उसमें से ही मैंने ये चिकन की बोटिया निकाली और अब कुछ बना रही हूँ अच्छा ये देखे ये जो है ना अरेबिक समोसे की स्टफिंग वो हो गई है त्यार ठंडी हो गई है तो मैंने इसको छापर में डाल दिया है तो अब इसको मैं कर लूँगी फ्रीज चाहे तो आप समोसे अभी बना के रख लें समोसे बना के फ्रीज कर लें चाहे आप ऐसे फ्रीज कर लें चलें ये दो चीज़ें तो रेडी हो गई हम स्प्रिंग रोल बना लेते हैं तो ये फ्रोज़न ही लहसन है और फ्रोज़न ही अदरक है ये इसको चाप करें ना ऐसे तो हो जाता है फ्रोज़न लहसन जो है बड़े बड़ी आसानी से तो ये भी रमज़ान से पहले बना के रख लें तैयारी कर लें तो बड़ी आसानी हो जाती है तो दो गाजरें नहीं हैं उनको मैंने कश कर लिया है माह ने और साथ में बंद गोभी ले ली है इन चीज़ों की मकदार ना आपको अंदाज़ा लगाना है अगर के कम ज़्यादा कैसे पता चले तो जितना चिकन आपके पास बॉयल हुआ हुआ है ना उतनी ही बंद गोभी डालें उतनी ही गाजर डालें कश हुई हुई और थोड़ी सी आपने बाकी इससे शिम, इसमें शिमला मिर्च ऐड करनी है तो इसको भी ब्रीक ब्रीक मैंने कर लिया है चाप जैसे भी आप कर सकते हैं वैसे करें और इधर मैं चाप कर रही थी तो माह का दिल करता है कि वो करे लेकिन उससे सही तरीके से होता नहीं है एक तो स्लो मोशन है ऊपर से कुछ पीस बड़े कर देती है कुछ छोटे कर देती है लेकिन ज़िद्द कर

ये भी माँ कह रही थी आ जाओ ये भी काम कर लो बस यही काम रह गया आपका तो फिर भाग गया था अच्छा खुले मुंह वाला पैन ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा घी डालना है बल्कि डाल लिया है और साथ में मैंने लहसुन अदरक की जो पेस्ट है ना वो ऐड कर दी है और इसको हल्का सा साथे करना है अब इसकी छीनकें बहुत ज़्यादा उड़ रही थी इसलिए मैंने इसके ऊपर दे दिया है ढक्कन आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो पहला रोज़ा है आज मैंने तो रोज़ा रखा हुआ है और रोज़ा रख के मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ सुबह सुबह सब सोए हुए हैं और मैं बैठ के अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ अच्छा ये हो गया था साते तो इसमें मैंने डाल दी हैं गाजरें और जो कि कश की थी साथ में बंद को भी जो चाप की है ब्रिक ब्रीक और ये सारी चीज़ें ए, एक ही साइज़ की होनी चाहिए छोटी बड़ी कोशिश करें कि ना हो और जो था ना चिकन उसको भी श्रेड कर लिया हुआ था हाथ की मदद से ही तो वो भी ऐड कर दिया है ये मैंने शिमला मिर्चें फ्रीज़ करके रखी हुई है ये भी रमज़ान प्रिपरेशन का ही हिस्सा था और है भी तो ये चीज़ें भी मैं साथ साथ दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या रमज़ान के लिए फ्रीज़ करके रखा हुआ है अब ये जो कारण है ना ये भी मैंने फ़्रीज़ करके रखी हुई थी मैंने निकाली हुई थी बाहर जब ये रू रूम टेम्परेचर पर आ गई आप वैसे भी डाल सकते हैं इसको तो ये सारी चीज़ें रमज़ान से पहले तैयार होनी ही चाहिए बहुत आसानी हो जाती है और हाथों से स्मेल भी नहीं फिर आती है थोड़ी आती है अच्छा कॉर्न भी इसमें डाल दी और साथ में अब मैं ऐड कर रही हूँ सोया सास दो चम्मच एक चम्मच चिली सास और ज़्यादा ना डालें फिर खट्टा ज़्यादा हो जाता है मुझे फिर टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता और दो चम्मच भर के इसमें कैचअप ऐड कर रही हूँ वाइट सिरका भी आप ऐड कर सकते हैं लेकिन आपकी मर्ज़ी है उसकी जगह आप चाहे लेमन थोड़ा डाल लें मैंने दोनों चीज़ें नहीं डाली हैं क्योंकि चिली सास खास खट्टी होती है और इधर जो कैचप है वो भी खट्टा ही है साथ में मैंने एक चम्मच नमक का डाला है और एक ही चम्मच मैंने काली मिर्च का भर के डाल दिया है ये भी आप टेस्ट कर सकते हैं इस स्टेज पे आप डालें और इसको टेस्ट कर लें और अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप रख सकते हैं तो बस इसको हाई फ्लेम पे पकाना नहीं है इसको कोई भी चीज़ हमने गला गलानी नहीं है सिर्फ हमारा मकसद है कि इसमें से पानी जो है वो ड्राई हो जाए तो वो चूल्हा छोटा था और फ्लेम जो है ना वो कम मुझे लग रही थी और मैंने कहा कि ऐसे अगर ज़्यादा टाइम हम चूल्हे पर इसको रखेंगे ना हल्की आँच पर तो फिर ये सारी सब्ज़ियाँ जो है ना वो नरम हो जाए बिल्कुल ऐसे सालन जैसी शक्ल हो जाएगी इसकी तो वैसे नहीं करना तो इसलिए मैंने इसको हाई फ्लेम पे हल्के हल्के ऐसे चम्मच चलाते जाना होता है और इसका पानी जो है ना वो फिर उड़ जाता है जल्दी तो चाइनीज़ जितनी भी डिशेस हैं ना ये चाइनीज़ ही है स्प्रिंग रोल तो वो ऐसे हाई फ्लेम पे ही बनते हैं और सब्जियां भी क्रंची क्रंची लगती हैं तो बस वो हो गया है तैयार पानी उसका ड्राई हो गया तो वो भी ठंडा हो जाएगा तो स्प्रिंग रोल फिर बना लेंगे या आप ऐसे ही इसको फ्रीज करके रख लें जब आपने स्प्रिंग रोल बनाने हो आप उस टाइम निकालें और आप फिलिंग कर लें अच्छा अब मैं बना रही हूँ शीरा जितनी मैंने चीनी ली है ना चीनी देखा है आपने इससे डबल थी जितना मैं पानी डाल रही हूँ ना यानी अगर आप एक कप चीनी दे रहे हैं ना तो उसमें आधा कप आपने पानी ऐड करना है तो ये इसका हम बना लेंगे शीरा शीरा वो होता है जो मीठी चीज़ों में यूज़ होता है ऊपर से थोड़ा मैं... करना होता है उसको कोई भी मीठी चीज़ इधर अरेबिक चीज़ों में शीरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो इसलिए मैं वो भी बना रही हूँ एक लेमन का जूस इसमें मैंने ऐड कर दिया है जितनी मैंने चीनी ऐड की है ना उस हिसाब से इतना लेमन हाफ़ जो है वो काफ़ी था लेकिन मैंने पूरा डाल दिया है हमें इसका टेस्ट अच्छा लगता है ऐसे तो बीज इसमें नहीं होने चाहिए तो पूरा लेमन इसमें डाल दिया है और छिलके भी इसके फेंके ना ये मैंने धूप में रख दिए हैं इसको मैं सुखा लूँगी और ये फिर मैं चावलों में इसको ऐड कर लेती हूँ पुलाव में भी डाल जाते हैं बिरयानी में भी किसी भी चीज़ में आप ऐड कर सकते हैं अच्छा इसको ना बस हाई फ्लेम पे इसको भी पकाना है और जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा आपको लगेगा तो चूल्हा हमने कर देना है बंद इसको कोई ऐसे नहीं करना कि एक एक तार की जो होती है ना एक तार इसमें बननी चाहिए ऐसा कुछ नहीं करना जब ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा और इसमें थिक हो जाना है और जैसे शहद का काम जैसे होता है ना वो हम इससे लेंगे तो शहद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं लेकिन शीरा चलता है इधर अरेबिक डिशेज़ में इसलिए मैंने बना के रखा है अब स्प्रिंग रोल बना लेते हैं उनकी फ़िलिंग कर लेते हैं तो ये मैंने पट्टियाँ ली हैं सुम्बला की इधर सऊदी अरेबिया में मिलती हैं बड़ी अच्छी होती हैं मैं वैसे फर्स्ट टाइम ही ये ट्राई कर रही हूँ तो अच्छी वैसे इनका रिज़ल्ट अच्छा रहा है तो इसकी फिलिंग ऐसे ही करनी होती है कॉर्नर पे इसको रखना होता है और जो एक कारनर है उसको पहले फ़ोल्ड करें फिर दोनों साइडों से पकड़ के फोल्ड करें टाइटली तो ये जो मैंने लई बनाई है ना ये है एक चम्मच मैदा है और उसमें दो चम्मच पानी डाल के उसको ठीक सी लई बना ली है तो उसको लगाना होता है क्योंकि वो चिपकाने में ना थोड़ी हेल्प हो जाती है तो वो मैं भूल गई थी फिर मैंने दोबारा खोला कोशिश करें कि एक दफ़ा जब इसको रोल कर लेना फिर खो लेना क्योंकि ये जो पट्टी है ना ये टूटती टूटने भी लग जाती है फिर तो बस बड़ी आसानी से ये रोल बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं तो एक दफ़ा फिर बना के मैं दिखा देती हूँ देखिए इस तरह इसको सेंटर में रखना है तो इसका कारनर सेंटर वाला पहले पकड़ना है उसको आप अपने फोल्ड करना है स्टफिंग के ऊपर रखना है और फिर दोनों साइडों से पकड़ के टाइटली इसको आपने इस तरह करके तो रोल कर लेना है तो बड़ी आसानी से बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं अब सऊदी अरेबिया में तो आज रोज़ा है आपका पाकिस्तान में इन कल होगा पहले रोज़े पहली सहरी पहली अफ्तारी से पहले पहले अल्लाह पाक आपको इतना अता करें कि आप हर गरीब की मदद कर सकें आमीन तो इधर जे, जे जो है ना रोल इसी तरह मैं बना के सारे कर लूँगी फ्रीज़ वहाँ पूरा साल किचन में आके इस तरह काम नहीं करती है लेकिन रमज़ान में ज़रूर आती है फिर स्लो मोशन में करती है मैं भी तंग हो जाती हूँ लेकिन फिर इसको कुछ आ रही। आ नहीं रहा होता पर एक्साइटेड होती है कि उसने करना ही करना है ये थोड़ी सी स्टफिंग बच गई थी तो मैंने इसको शापर में डाल के मैं कर लूँगी फ्रीज आप डिब्बे वगैरह में भी डाल सकती है मैं शापर में ही डालती हूँ मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है ये अरेबिक समोसे की जो स्टफिंग मैंने बनाई है ना तो मैंने कहा अब ये भी मैं आपको बना के दिखाई देती हूँ बना तो लिए हैं समोसे लेकिन आपको दिखाया नहीं है तो उसके लिए जो फ्रीज किया हुआ है ना मैंने कहा वो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसको कैसे यूज़ करना है तो आप उसको निकालें कोई जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना निकाल के आप ओवन में रखें एक मिनट के लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है आप चम्मच की मदद मतलब से आप इस देखें थोड़ा थोड़ा इसमें वाटर फील होता है जब हम फ्रेश की फीलिंग करते हैं ना तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है फ्रोज़न जब हम निकाल के करते हैं ना तो फिर उसको जब हम गर्म करेंगे तो हल्का सा ये जूसी सा इसमें वाटर फ़ील हो रहा है आप ऐसे भी फीलिंग कर ते हैं लेकिन समोसे के अंदर इतनी अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए वाटर नहीं होना चाहिए तो मैं इसको एक मिनट के लिए और ओवन को चलाऊंगी तो ये बिल्कुल इसका पानी जो है ना वो उड़ जाएगा सारा स्टीम बन के तो आप ये पैन में भी कर सकते हैं अगर ओवन ना हो लेकिन नॉन स्टिक की पैन हो तो ज़्यादा अच्छा है ओवन में ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आता है बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे स्टफिंग बनाई ही अभी है ऐसे नहीं लगता है कि गरम करने से पता है इसकी टेस्ट और इसकी शकल भी थोड़ी चेंज हो जाती है तो ओवन में ऐसे नहीं होता है तो बस ये बिल्कुल ड्राई हो गया था तो समोसे मैंने बना तो लिए हुए हैं लेकिन मैंने कहा कि ये रोल पट्टी के साथ भी दूसरा तो सबको पता ही है कैसे बनते हैं पट्टियों के साथ ये जो रोल पट्टी है ना इसके साथ भी समोसा बन सकता है तो मैंने कहा चले ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसको इस तरह डबल कर लें कारनर पकड़ के और चारों साइडों पर लई लगा लें और फिर एक का एक कोने को पकड़ के फोल्ड करें इस तरह और उसके बाद दूसरे कोने को पकड़ के उसके ऊपर करें फोल्ड इस तरह और ये हमारी बन जाती है कौन जैसे पाकिस्तानी समोसे की कोन बनती है बिल्कुल उस तरह और इसके अंदर हम कर लेंगे फिलिंग जो भी हमने चाहे आलू की है चाहे कीमे की है किसी भी चीज़ की जो भी आपने अमेजा बनाया हुआ है वो आप फ़िलिंग करें और इस तरह फिर इसको कर लेंगे टाइटली फ़ोल्ड जो हमने कार्नर पकड़े पकड़ के फ़ोल्ड किए हैं ना वो भी थोड़े टाइटली ही होने चाहिए और फिर ये जो एक्स्ट्रा था ना इसको अंदर की तरफ़ फोल्ड करके तो जो ये बिल्कुल लफाफा जैसे होता है ना हथ का रैपर बिल्कुल वैसे ही इसको बंद कर लेंगे लई लगा के लेकिन करना टाइटली ही है अच्छा मैंने पहले सोचा था मैं जो जो चीज़ें फ्रीज़ कर रही हूँ ना वो मैं सारी आपको इसी व्लाग में मैं दिखा दूंगी कि मैंने क्या क्या फ्रीज़ करके रखा है रमज़ान के लिए जो कि बेसिक ज़रूरत होती हैं और हमारा टाइम सेव हो जाता है कुछ हमारे हाथों से स्मेल नहीं आती है बहुत बचत हो जाती है तो उसमें है जैसे लहसुन छील के रख लें फ्रीज़ कर लें अदरक लहसन की पेस्ट बना के रख लें सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको आप चाहे चाप करके रख लें या पेस्ट बना के रख लें जैसे भी आपको जैसे आप यूज़ करते हैं ना उस तरह आप बनाएं और उसको आप फ्रीज़ कर लें इमली की चटनी ज़्यादातर लोग बना रहे हैं चने बॉयल करके फ्रीज़ मैंने किए हैं शिमला मिर्चें मैंने काट के बरक बरीक जिस शेप में यूज़ करनी है उस तरह मैंने उनको मैंने फ्रीज़ किया है ये माह ने बनाए थे और मुझे इन पर ट्रस्ट नहीं था इसलिए मैंने कहा मैं इनको ही फ्राई करती हूँ इनको मैंने अलग रखा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ना हो ये फाट है इसकी क्योंकि इसने लूज लूज इनको रोल किया है तो बस माह और मैं कर रहे हैं फ्राई और ट्राई करके भी दिखाएंगे माह का भी बच्चों का भी बड़ा दिल कर रहा था कि हमने खाने ही है क्योंकि ये रमज़ान से एक दिन पहले की वीडियो है तो वो बड़े एक्साइटेड हुए हुए थे इसलिए मैंने कहा मैं थोड़े से फ्राई एक एक इनके लिए फ्राई कर देती हूँ अच्छा मैं बता रही थी जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं ना तो आपको लगता है जैसे प्याज है प्याज आप काट के पलाव के लिए रख सकते हैं पुलाव अगर बनाना हो ना तो आराम से आप कटे हुए प्याज निकालें हाथों से स्मेल नहीं आती है आप पकोड़े में भी ऐड कर सकते हैं उसको पालक पकोड़ों में ऐड होती है तो उसको भी आप धोएँ उसको ड्राई करें पानी और फिर आप उसको काट के फ्रीज करके रख लें तो इस तरह बड़ी आसानी हो जाती है और फ्रीज़र में जगह भी वैसे बिशरते कि होनी चाहिए बहुत आसानी हो जाती है ज़िंदगी आसान हो जाती है और इबादत के लिए टाइम भी थोड़ा मिल ही जाता है तो ये देखिए मज़ेदार से बातों बातों में रोल और समोसे हो गए हैं तैयार और जो शीरा है ना वो जब ठंडा हो जाए तो उसको मैं बोतल में डाल रही हूँ अब इतना ठंडा अभी हुआ नहीं है लेकिन मुझे जल्दी है मैंने आटा लेने भी जाना है पाकिस्तानी शॉप पे तो इसलिए मैं ये सारे काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ और मेरा व्लॉग भी इसीलिए लेट हुआ है क्योंकि मैं फिर चली गई थी आटा लेने के लिए तो इसकी एडिटिंग नहीं हो सकी ये है कीमा स्टफिंग साथ में ये बॉयल चने हैं जो फ्रीज़ हुए हुए हैं मैंने निकाले हैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये साथ में शामी कबाब और समोसे और ये स्प्रिंग रोल इनको भी फ्रीज़ कर लूँगी और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा था मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लेकिन व्लाग पहले ही इतना लंबा हो जाता है मैं ख़ुद बोर हो जाती हूँ तो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें फ्रिज से निकाल के नहीं दिखाई हैं वैसे मैंने आपसे वो कर लिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप फ्रीज कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें इनको हम शापर में डाल के टाइटली करके फ्रीज़र में रख देंगे तो हमारा रमज़ान जो है ना थोड़ा सा आसानी से गुजर जाएगा तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लाग मिलते हैं नेक्स्ट व्लाग में तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ कामेंट करके जरूर बताएँ मेरा ब्लाग आपको कैसा लगता है